नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपको स्वागत है। दोस्तों, फोटोशॉप 2019 यानी कि 2019 के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट ब्रश टूल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास फोटोशॉप 2019 है, आपके पास यहाँ पर देखिए फोटोशॉप 2019 जो मैंने क्लिक किया। उसके बाद डायरेक्ट मैं फाइल में जाकर डायरेक्ट ओपन हो जाता हूँ, पिक्चर को मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। और ले लेने के बाद ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पर देखिए हिस्ट्री ब्रश है, ठीक है ना। हिस्ट्री ब्रश टूल, इसका शॉर्टकट की वाई है। अब इसका यूज किया है, अब यहाँ पर देखिए हिस्ट्री यहाँ पर एक आ जाएगा, इसको भी यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। इसका यूज किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी क्लोन पैटर्न टूल लिया और यहाँ से ब्रश को छोटा किया। ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए आपको ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है, जो पी के सर के पास होती है और इंटर के बीच में होती है, पी इंटर के बीच में देखिएगा ब्रैकेट। तो अब यहाँ से एल्ट प्रेस करके मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने डिजाइन बनाया। अब मुझे लगा कि ये डिजाइन ठीक है, फिर मैंने इस तरह से इसको बनाया डिजाइन, और यहाँ से इस तरह से इसको डिजाइन मैंने बना दिया। अब मैं इस तरह से मैंने डिजाइन इसको बनाया इस तरह से। अब इसको हम लोग इस डिजाइन को हम लोग ठीक है बना लिए। अब इस डिजाइन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमको सीखना क्या हिस्ट्री ब्रश। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए इससे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं। देखिए यहाँ से इसको हटा दिए हिस्ट्री ब्रश टूल से, ही आपको क्या हुआ हट गया ही यहाँ पर इसे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक और लेते हैं, कोई और टूल ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिए कलर रिप्लेसमेंट टूल, इसको से लिए। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं जूम कर ले रहा हूँ। जूम करने के बाद अब यहाँ से इसको देखिएगा, इसको हम कलर कर रहे हैं, देखिएगा इसको हम कलर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ड्रेस का कलर कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, इसको कलर कर रहे हैं, देख लीजिए। चलिए मैंने इतना ही कलर किया। अब मुझे ये ठीक नहीं लगा या कुछ मुझे गलती हो गया, तो यहाँ से हिस्ट्री ब्रश से लेकर इसको डायरेक्ट यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। अब मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ मैं क्या करता हूँ। फिर से इसको क्लोज किया, ठीक है, फिर से फाइल में गए और मैं कोई और फोटो को इंसर्ट कर लेता हूँ जो कि अच्छा से समझ में आए। यहाँ से फोटो को मैंने इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पर हिस्ट्री ब्रश को ला के यहाँ पर फिर हम लोग रख देंगे। अब इसका मैं काम बता रहा हूँ, ठीक ना। अब रख देने के बाद यहाँ से आप एक डुप्लीकेट इसको क्लियर करके एक लेयर ले लीजिए, यहाँ पर इस तरह से कर लीजिए। यहाँ पर एल प्रेस करके यहाँ से इस तरह से यहाँ से आपको इस पेज पर रहिए। यहाँ पर से मुझे क्लोन टूल पे चाहिए, तो क्लोन पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके सॉरी अभी यहाँ पैटर्न टूल लगा होता, क्लोन टूल पर क्लिक करके ब्रश को छोटा किए, एल्ट प्रेस करके यहाँ से ले लिए। अब देखिए यहाँ से इस तरह से बना रहे हैं इस तरह से, मतलब बना दिए यहाँ से इस तरह से इसको बना दिए। अब मैं यहाँ पर देखिए स्ट्रिप ब्रश टूल से डायरेक्ट आप आगे पीछे जितना आप काम कीजिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। जितना आप काम कीजिए तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ से भी आगे पीछे आप हो सकते हैं। जितना हमने काम किया यहाँ पर एक रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए कैमरा वाला चित्र है, इसमें क्या है एक स्नैप आप खींच सकते हैं। जैसे स्नैप पर क्लिक करेंगे अब हम दूसरा काम करते हैं, ठीक है। अब हम कोई और काम करते हैं, ठीक ना, अब हम कोई और काम करते हैं, फिर से कुछ और काम
काम कर लेते हैं। जैसे कि कोई अगर काम हम करते हैं, ले लेते हैं कलर, ये टूल ले लेते हैं। अब यहाँ से इसको हम ड्रेस को कलर करते हैं, ठीक है। इस तरह से कलर किए, ठीक है ना, इस तरह से कलर किया। इसका भी हम स्नैप ले लिए। अब मुझे जिस स्नैप को अब हमको जो होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पहला स्नैप था, यहाँ पर क्लिक किए तो ई वाला को काम किए। अब हमको ई वाला जो पड़ा था, हमको ई वाला का काम किए। तो यहाँ पर हम एक तरह से इसका काम करके इसका पिक्चर खींच लिए, ठीक है ना। यहाँ पर काम करके इसका हमें पिक्चर खींच लिया, और जो भी हमको अच्छा लगेगा, हमको ये ठीक लगा तो इसको हम सेव कर लेंगे, अगर ये ठीक नहीं लगा तो इसको हम सेव करेंगे। ऐसे ऐसे काम कर करके एक स्नैप आप ले सकते हैं, या इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एक न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं, नया भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, एक और इसमें काम था आर्ट हिस्ट्री बस की। क्या करता है कि पिक्चर को हम इसको ज़्यादा उपयोग किए हैं धुंधला करने के लिए। किसी पिक्चर को हम लोग क्या करते हैं, ब्लर कर देते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक न्यू पेज ही लेंगे, तब अच्छा समझ में आपको आएगा। इसको क्लोज करते हैं, फाइल में जाते हैं, ऊपर में जाते हैं। ऊपर में जाने के बाद इसको हमने ले लिया, इस फोटो को लेने के बाद और यहाँ पर हम लोग आए इसको, तो यहाँ पर इसे क्लिक करते हैं तो देखिएगा एक पिक्चर क्या कर रहा है। देखिए इस तरह से ये ब्लर कर देते हैं, ठीक है ना। ये तो खुद ब्लर था ही, पता नहीं चल रहा था कोई इसको, कोई और पिक्चर को लेते हैं जो एक पिक्चर को ले लिए। अब यहाँ पर हम लोग आए और आठ के बस यहाँ पर देखिए क्लिक किए, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ब्लर। इसको क्या करेंगे, कम कर दीजिए इसको हल्का। एक बार से क्लिक कीजिए ना, क्लिक करके ऐसे से क्लिक करते रहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इस तरह से आपको कर देता है, इस तरह से। तो इसका तो हम कुछ कम ही यूज किए हैं, ज़्यादा यूज नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप बहुत कम ही इसका यूज भी होता है, लेकिन इस यहाँ पर आके देखिएगा इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको भी घटा बढ़ा भी सकते हैं, तो इस तरह से इसको उपयोग कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।